दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में देखा आपने ये फेराइट कोर होती है, इसको आप वाट को कैसे डिजाइन करते हैं, इसके टर्न कैसे डिजाइन करते हैं, जो भी इसके बारे में कैलकुलेशन थी मैंने आपको बताई। आज के इस वीडियो में इस कोर का ट्रांसफार्मर बनाएंगे और उसको वाइंडिंग करके SMPS में टेस्टिंग करेंगे। उसकी टेस्टिंग करने से पहले यहाँ पर ये सर्किट है, इस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करके इसमें स्विचिंग कराएंगे। इसका ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर PWM IC है, वो UC3842 ये IC है। ये IC यहाँ पर ये MOSFET है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ये स्विचिंग करने का काम ये MOSFET करेगा, इसको ड्राइव करने का काम IC करेगी और सारा कंट्रोल इसी IC से होगा। आउटपुट में वोल्टेज सेट करने का और सारा यहाँ पर ये फीडबैक है, वोल्टेज का फीडबैक देने के लिए। पिन नंबर 4 पर यहाँ पर ये 5 nF का कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। यहाँ AC वोल्टेज इनपुट देते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर के आगे ये प्लस है और ये माइनस है, ये सभी जगह पर माइनस का ये निशान है, ये माइनस ही है सभी। इसमें जो बोर्ड का यूज में लेंगे वो ये बोर्ड लगाएंगे। यहाँ पर ये UC3842 IC है और ये MOSFET है, 8N60 MOSFET यहाँ पर लगा रखा है। वाइंडिंग करने से पहले इसमें जो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है वो और मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी SMPS को वाइंडिंग करने से पहले ये पता लगाना होता है SMPS की आउटपुट पावर कितनी होती है। जैसे यहाँ पर SMPS को वाइंडिंग कर रहे हैं, आउटपुट के अंदर 24 वोल्ट और 5 एम्पीयर का करंट देनी चाहिए ये SMPS। इसका टोटल पावर कितना होता है, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टोटल आउटपुट पावर है वो 120 वाट हो गया। ये तो अपनी रिक्वायरमेंट है कि SMPS आउटपुट में ये 120 वाट की सप्लाई देगी। ये कोर 120 वाट की आउटपुट पावर देगी या नहीं देगी, इसका पता कैसे लगाएं? इसके लिए देखते हैं आगे। यहाँ पर ये कोर है, यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई है 0.865 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है 1.48 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.28 सेंटीमीटर इसका विंडो एरिया है। यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई है 1.22 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है 1.52 सेंटीमीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.85 सेंटीमीटर² इसका कोर एरिया है। कोर एरिया विंडो एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल विंडो एरिया और कोर एरिया आया है एक यूनिट का, वो 2.36 सेंटीमीटर फोर्थ आया है। अब यहाँ पर दो यूनिट काम में लेंगे और दो यूनिट के बीच में ये बोबिन भी लगेगी, इसका भी कुछ एरिया लेस होगा। टोटल जो लेस करेंगे इसको और इसका फैक्टर आएगा, इसको 1.5 या 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल विंडो एरिया और कोर एरिया आया है वो 3.55 सेंटीमीटर फोर्थ आया है। इस विंडो एरिया कोर एरिया से इसका पावर निकालते हैं तो यहाँ पर DCMA का मान 600 रखेंगे, KT का मान फ्लाईबैक टोपोलॉजी के लिए ये रखेंगे। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है वो 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इस MOSFET को जो स्विचिंग कराएंगे ये फ्रीक्वेंसी IC से देंगे, 50 किलो हर्ट्ज यानी 50,000 की फ्रीक्वेंसी देंगे। 50,000 की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1300 गाजेज है। इसका टोटल वाट आएगा फ्लाईबैक टोपोलॉजी के लिए वो 126.9 वाट है। यहाँ पर अपने पास जो वाट आया है इसका, ये कोर इस SMPS में लगा सकते हैं, ये सही काम करेगी। इस SMPS में AC वोल्टेज की सप्लाई देंगे, वो 210 वोल्टेज एवरेज वोल्टेज देंगे और ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद में टोटल DC वोल्टेज होंगे इसके 297 वोल्टेज DC वोल्टेज है यहाँ पर देंगे। यहाँ पर 120 वाट है, प्राइमरी में कितना वाट होगा, प्राइमरी में जो वाट बनता है इसका टोटल वाट कितना होता है, इसको 98% एफिशिएंसी अलाउ करने के बाद में यहाँ पर जो वाट आया है वो 123 वाट आया है। इस 123 वाट से वापस इसको विंडो एरिया कोर एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो विंडो एरिया कोर एरिया इसका 3.44 सेंटीमीटर फोर्थ आया है। तो यहाँ पर जो विंडो एरिया है वो 3.55 है, बहुत अच्छा है, प्लस के अंदर है, तो ये कोर ठीक काम करेगी। इसमें प्राइमरी टर्न को देखते हैं, प्राइमरी टर्न इसके कितने निकलते हैं। प्राइमरी टर्न निकालने का फार्मूला ये है, यहाँ पर ये संख्या है 1.85 की, ये इसका कोर एरिया है।
कोर एरिया निकाला है वो है ये। इसके जो टोटल टर्न आए हैं प्राइमरी के वो 61.74 टर्न आए हैं। 74 तो लगा नहीं सकते, या तो 61 रन लगाएंगे या 60 रन लगाएंगे। इसमें 61 रन लगाते हैं, 61 रन लगाने के बाद में इसके गाजेज आते हैं, वो ये आते हैं गाजेज, ये आते हैं। इसको वापस वाट में परिवर्तन करते हैं तो इसका टोटल 124 वाट आया है। यहाँ पर ये वाट एक वाट बढ़ गया है तो ये ठीक है, वाट बढ़ता है तो ठीक है, अगर माइनस होता है तो ये नुकसान करेगा। अगर इस टर्न को 62 करते हैं तो यहाँ पर ये वाट 123 वाट से माइनस में जाएगा, SMPS सही आउटपुट नहीं देगी। आगे इसमें सेकेंडरी के टर्न निकालते हैं। सेकेंडरी के जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, वो 24 वोल्टेज है। यहाँ पर 25 वोल्टेज इसलिए लिए हैं क्योंकि एक वोल्टेज इस डायोड का प्लस होगा। सेकेंडरी में जो टोटल वोल्टेज है 25 वोल्टेज है और ये प्राइमरी टर्न है, प्राइमरी वोल्टेज है। इसके टोटल टर्न आए हैं सेकेंडरी के वो 5.13 टर्न आए हैं। इसके टोटल टर्न लगाएंगे वो 5 टर्न लगाएंगे। ये 123 वाट है, प्राइमरी वोल्टेज है। टोटल प्राइमरी करंट है वो 0.41 एम्पियर है। इस करंट से वायर का चुनाव करते हैं। यहाँ पर ये करंट है वायर साइज का, पर 0.4 एम्पियर का कोई वायर नहीं है, इसके आसपास का ही वायर लेंगे। 0.45 एम्पियर का ये वायर लेंगे। फ्रीक्वेंसी भी 85 किलोहर्ट्ज के लगभग है, यानी 50,000 से प्लस में है, ये ठीक काम करेगा। इस वायर का डायमीटर है वो 0.45 mm है, 25 AWG का वायर है। आगे इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग के लिए 20 वोल्टेज है और 20 वोल्टेज के लिए टर्न आएंगे इसके एक्सिलरी वाइंडिंग के वो 4.1 टर्न आएंगे। यहाँ पर इसका टोटल रिजल्ट है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर लगाएंगे 25 AWG का वायर भी लगा सकते हैं या 28-28 के दो वायर भी पैरल में लगा सकते हैं के टोटल टर्न लगाएंगे 61 टर्न लगाएंगे। और सेकेंडरी में 26 AWG का वायर लेंगे, 7 वायर पैरल में लगा करके उसके 5 टर्न इस वाइंडिंग पर लगाएंगे, 5 टर्न इस वाइंडिंग पर। एक्सिलरी वाइंडिंग के 26 AWG का भी ले सकते हैं या इससे भी बारीक वायर काम में ले सकते हैं। इसके टोटल 4 टर्न लगाएंगे। अब इस SMPS को वाइंडिंग करते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग करने के लिए मैं ये ऊपर से ही वायर लगा रहा हूँ। इसमें इसके 4 टर्न लगा देंगे। इधर से देखेंगे तो ये 4 टर्न हो गए हैं इसके। अब यहाँ पर जो एक्सिलरी वाइंडिंग के ये 4 टर्न थे, इनको मैंने UC3842 की VCC पिन है उस पर लगा दिया है
यहाँ पर एक डायोड और आगे इसके 10 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा दी है। यहाँ पर ये नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया है, यहाँ पर ये डायोड के साथ में जोड़ दिया है दूसरे वायर को। SMPS इन वायरों को लगाने के बाद में काम नहीं करे बिल्कुल भी, तो इन दोनों वायरों को अदला बदली कर सकते हैं। पहली बार जब SMPS वाइंडिंग करो उस समय तो ये सही काम करने लग जाएगी। अब मैं SMPS को ऑन करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में 24.2 वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने अभी तक इसमें 0.7 एम्पियर का ही करंट दिया है, इसमें ज़्यादा एम्पियर का भी करंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोसफेट लगाया है स्विचिंग के लिए वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं यहाँ पर ये 0.7 एम्पियर का ही लोड दिया है। वैसे तो इस ट्रांसफार्मर से आराम से 5 एम्पियर तक का मैक्सिमम करंट ले सकते हैं। SMPS का जो वोल्टेज है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, इससे इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 26.8 वोल्टेज पे जा रहा है, और इसको मिनिमम पे करेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैक्चुएट होगा वोल्टेज। ये वोल्टेज फ्लैक्चुएट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जब आउटपुट को कम करते हैं तो यहाँ पर ये VCC वोल्टेज भी कम होते हैं, इसलिए आउटपुट में इस VCC वोल्टेज के कारण से ये फ्लैक्चुएट होगा। जैसे ही VCC वोल्टेज के ऊपर 16 वोल्टेज से प्लस आएंगे तो ये आउटपुट में सही वोल्टेज दिखाएगा। अब VCC वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। पहले 24 वोल्टेज पे सेट करके इसको 24.5 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। VCC वोल्टेज है उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर तो ये 21 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, और आउटपुट को जैसे जैसे कम करेंगे तो ये वोल्टेज भी कम होगा। इसका 22 वोल्टेज पे आउटपुट सेट कर दी है और ये 18.1 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी 50 किलो HZ के लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और ये वोल्टेज में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चेंजिंग करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। आउटपुट में 24.3 वोल्टेज है। अब मैं इसके AC वोल्टेज को भी टेस्ट करता हूँ, AC वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसमें। SMPS में 243 वोल्टेज AC आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर AC वोल्टेज को कम ज़्यादा करता हूँ, आउटपुट में वोल्टेज फिक्स रहते हैं क्या। AC वोल्टेज को 200 वोल्टेज पे कर दिया है, लेकिन आउटपुट में वही 24.3 वोल्टेज हैं और 180 वोल्टेज, और जैसे जैसे मैं कम करूँगा तो ये वोल्टेज कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। और ये SMPS लगभग 60-70 वोल्टेज पे ऑफ हो जाती है और वोल्टेज लॉस हो जाते हैं, और ये ऑन होती है वो 80 वोल्टेज के लगभग ये ऑन हो जाती है SMPS, और वापस से मैंने 243 वोल्टेज इसमें कर दिए हैं। AC वोल्टेज 243 से लेकर के 80 वोल्टेज तक ये आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट ही देती है। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा SMPS की टर्न कैलकुलेशन करके कैसे SMPS बनाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।